नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज का मेरा जो वीडियो है वो है रिग्रेट बाइंग प्रोडक्ट। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हम लोग मतलब मंगा लेते हैं, जो हमारे हमारे लिए वर्क नहीं करते हैं दोस्तों, उसमें हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मैंने मंगाए हुए हैं ऑनलाइन और मेरे लिए वर्क नहीं किए हैं, और जिसमें क्या हुआ कि मेरे भी पैसे वेस्ट हो गए हैं। तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहिए, हो सकता है आपके कुछ पैसे सेव हो जाएं इसमें। और दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि मेरा किसी ब्रांड के साथ ऐसा कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्हीं सारे ब्रांड के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मैं यूज करती हूँ डेली और मुझे बहुत पसंद है। इवन मैं कई बार रीपर्चेज भी किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा जो पहला प्रोडक्ट है वो है ये लैक्मे एब्सोल्यूट का परफेक्ट रेडियंट स्किन लाइटनिंग डे क्रीम विद सनस्क्रीन। ये प्रोडक्ट दोस्तों मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप ये लाइट पिंक कलर का है, इसमें इसके साथ मुझे प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये इजीली ब्लेंड नहीं होता है, और जब भी इसे अप्लाई करो ये बहुत जल्दी ड्राई, मतलब बहुत ड्राई लगने लगता है स्किन पे लगाने के बाद, और थोड़ा थोड़ा मुझे व्हाइट कास्ट भी स्किन पे दिखने लगता है। तो इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आई थिंक ये 350 का कुछ इसका प्राइस है, बट आपको ये 250 में मिल जाता है, बट मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ये लैक्मे का प्रोडक्ट ये। और दूसरा है दोस्तों, ये है नायका का, ये नेल पेंट है, आई थिंक 250 रुपये का प्राइस है, और या 199 का आपको ही मिल जाएगा। लेकिन ये नेल पेंट भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी इन्हें अप्लाई करो, आपने अप्लाई किया और आप कुछ ही देर बाद अगर आप कुछ काम करने गए, कुछ भी आपने वॉश किया हाथ से, तो ये आप तुरंत आपको यहाँ ये हाथ से मतलब बिल्कुल ये निकलने लगती है आपकी नेल से। तो क्या फ़ायदा हम 250 का नेल पेंट लेने से। इससे अच्छा दोस्तों, हमें एलेटीन की 50 रुपये की नेल पेंट आती है, वो ले लो, वो भी सेम वर्क करता है। तो मतलब मुझे भी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया नेल पेंट। और दोस्तों, मेरा जो अगला प्रोडक्ट है वो है ये सेंट बोटेनिका का विटामिन सी पील ऑफ मास्क है। इसका प्राइस है 549 रुपये, लेकिन आई थिंक 450 रुपये में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि दोस्तों मैं लास्ट टाइम मैं लॉकडाउन में मैं अपने घर पे थी, वहाँ मतलब बहुत गर्मी था, और मैंने इसे अप्लाई कर लिया था तो मेरा पूरा ये एरिया पूरा रेड हो गया था यहाँ पे, और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी इसके साथ। तो पता नहीं ऐसा क्यों है, क्योंकि ये ब्रांड तो दोस्तों बहुत अच्छा है, बहुत 100% नेचुरल ब्रांड है, इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत अच्छी रहती है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है सेंट बोटेनिका के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और दोस्तों, इसी के साथ ये दोनों भी बोटेनिका की ही, ये दोनों विटामिन सी ये डे क्रीम नाइट क्रीम है दोस्तों, और ये कॉस्टली भी आता है। ये आई थिंक डे क्रीम का प्राइस 1299 रुपये कुछ है, और ये नाइट क्रीम का 1199 कुछ आता है। मतलब ऑफर में आपको बहुत ज़्यादा नहीं, आई थिंक अंडर 1000 ये मिल जाएगा दोनों। लेकिन ये दोनों क्रीम दोस्तों मुझे नहीं पसंद आया। इसके पहले भी मेरे पास इसके 4 और भी जार हैं, जो कि मैं 5-6 महीने से इन दोनों क्रीम को मैंने रेगुलर यूज किया है सुबह शाम, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा फर्क नहीं समझ में आया। नॉर्मल जैसे एक मॉइस्चराइजर होता है हमने लगा लिया, बस वैसे ही है कुछ भी। मतलब 4 से 5 महीने का समय तो बहुत होता है एक प्रोडक्ट को जानने के लिए, तो आप समझ सकते हैं मैंने कितना अप्लाई किया हुआ है ऐसे, और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया ना इस वाइटमिन न डे क्रीम में ना इस नाइट क्रीम में। मुझे ये दोनों क्रीम भी मुझे दोस्तों, एक अगर अच्छी ब्रांड का हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं इतना पैसा लगा के, उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट इतनी अच्छी है सब कुछ, तो एटलीस्ट इतना हम लोग तो उम्मीद जरूर करते हैं कि वो कुछ तो हमारे ऊपर वर्क करे। और मैंने बहुत टाइम से मैंने इन दोनों को यूज किया, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मतलब कुछ भी अंतर मुझे नहीं समझ में आया। तो ये भी मुझे रिग्रेट प्रोडक्ट ही समझ में आया, और मैंने इसको खरीदना बंद कर दिया है दोनों क्रीम को। और दोस्तों, अगला जो प्रोडक्ट है वो है नायका की ये हैंड क्रीम है। ये प्रोडक्ट भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसको इसके साथ दिक्कत क्या है देख सकते हैं, ऑलमोस्ट इतने से चुका है। इसके साथ दिक्कत ये है कि जब तक आपने हैंड में इसको अप्लाई कर रखा है तब तक तो ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपने हैंड वॉश या कुछ भी किया तो फिर से आपके हैंड वैसे ही ड्राई हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी इसका नो फ्रेग्रेंस कुछ भी नहीं रहता है। तो जब तक अप्लाई किया तब तो ठीक है, उसके बाद तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता इस क्रीम में। तो
ये भी मुझे बहुत ही पसंद आया है क्रीम। अगला जो प्रोडक्ट है दोस्तों ये है, ये गुड वाइब्स का है, क्या है, लिप स्क्रब है ये। ये प्रोडक्ट मतलब मुझे लगता है सबसे बकवास प्रोडक्ट है ये, मतलब क्या बताऊँ मैं। इसके शुरू स्टार्टिंग में तो ठीक था, अभी आप ये देख सकते हैं ये क्या है, मतलब एकदम टाइट होके जम गया, जिस कोकोनट होता है एकदम जम जाता है, क्या कुछ भी नहीं निकल रहा है इसमें से, इतना ज़्यादा ये बकवास है। इसने वर्क कुछ किया ही नहीं, और भी इसकी हालत जो है वो देख सकते हैं कितना, पता नहीं क्या है ये, इसलिए बहुत ही बेकार लगा मुझे प्रोडक्ट। और दोस्तों ये इसका प्राइस तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो वर्क करना चाहिए, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं किया, ये भी प्रोडक्ट बहुत ही बेकार है ये। और दोस्तों अगला जो प्रोडक्ट है ये है लैक्मे का लिप लाइनर है, ये भी मुझे नहीं पसंद है। रीज़न ये है कि एक तो ये अप्लाई करने में बहुत ड्राई लगता है और ड्राई फील होता है, अच्छे से अप्लाई नहीं होता है, और अप्लाई हो भी गया तो बहुत ही जल्दी आपके लिप्स से हट जाता है, ये भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दोस्तों अगला जो प्रोडक्ट है वो है ये लॉरियल की लिपस्टिक, और इसे मैंने ख़रीदा नहीं था, ये मुझे एक लॉरियल का मैंने प्रोडक्ट लिया था, उसके साथ मुझे ये फ्री गिफ्ट रिसीव हुई थी दोस्तों। लेकिन मुझे इसका फार्मूला नहीं पसंद आया, इसे अप्लाई करने के बाद ये मतलब ग्लॉसी ग्लॉसी लिप्स फिल लगती है, और कुछ देर बाद क्या होता है ऐसा कलर भी उड़ जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपने लिपस्टिक लगाया, ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई लिप बाम अप्लाई किया हुआ है, तो ये लिपस्टिक मुझे पसंद नहीं है। और दोस्तों अगला जो ये प्रोडक्ट है वो है लैक्मे आइकॉनिक का लाइनर पिन ब्लॉक टिप। दोस्तों ये लाइनर बहुत अच्छा है, इसका कलर सब कुछ बहुत अच्छा है, बस मुझे इसमें प्रॉब्लम है, इसके जो टिप दिया है इसका, ये आप ये मुझे इसका शेप नहीं पसंद है, ये अच्छे से अप्लाई नहीं होता है, जब भी अप्लाई करो तो इधर उधर लग जाता है, और बहुत ये मतलब तो इसे चुभ रहा है आपके आईज में। और उसके बाद दोस्तों इसका जो पिछला रेंज था एक सेम ये था, जिसमें इसका जो टिप आता था वो राउंड वाला, वो मुझे बहुत पसंद था, मैंने उसे काफ़ी यूज किया हुआ था। उसके बाद फिर मैंने इसे देखा तो मुझे लगा शायद ये डिफरेंट है, इसको ले लेना चाहिए, शायद ज़्यादा ईजी होगा लाइनर अप्लाई करने में, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, अच्छे से अप्लाई नहीं होता है, ये भी मेरे लिए रिग्रेट प्रोडक्ट है। दोस्तों मेरा जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है लैक्मे एब्सोल्यूट का ये मूज फाउंडेशन है। दोस्तों मेरा जो प्रीवियस वीडियो था वो इसी के ऊपर था, जिसमें मैंने बताया हुआ है डिटेल में कि मुझे ये प्रोडक्ट पसंद होते हुए भी मुझे ये नहीं पसंद है, इसने मेरे ऊपर वर्क नहीं किया, तो इसको लेके भी मेरे पैसे वेस्ट ही हो गए हैं, इसलिए मैंने इसे रिग्रेट प्रोडक्ट में डाला है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वो स्टूडियो का मैं लिंक दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे प्रोडक्ट जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, जिन्होंने मेरे पर वर्क नहीं किया, तो किसी का फॉर्मूला मुझे नहीं पसंद आया, और जिसमें कि मेरे सारे पैसे इस सब में वेस्ट हो गए हैं। तो और नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल भी रीपर्चेज नहीं करूँगी इसमें से किसी भी प्रोडक्ट को। तो दोस्तों ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इन सारे प्रोडक्ट के बारे में, जिनको मैंने पर्सनली सबको यूज किया है और मेरे लिए वर्क नहीं किया है, और जिसमें कि मेरे पैसे बिल्कुल वेस्ट हो गए हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट मेरे लिए रिग्रेट बाई प्रोडक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो देखने के बाद आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई हो, अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, और मेरे आगे की और भी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।